वेलकम बैक टू एफ एस सी एंटरटेनमेंट। मैं एक ऐसी लोकेशन पे हूँ जहाँ पर फ़िलहाल तो इट्स अ बैरन लैंड, बट प्रॉब्ली 6 months डाउन द लाइन यू विल बी सीइंग समथिंग ड्रास्टिकली डिफरेंट हियर। एंड व्हाट वी टॉकिंग अबाउट इज एच एस फार्म व्हिच इज़ कमिंग सून, हिशाम शेख फार्म। हिशाम शेख, इट्स नॉट अ गोट फार्म, इट्स फार्म्स बिकॉज गोट्स के अलावा उनके और भी शौक होंगे पूरे। ब्रीडिंग सेटअप होगा माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा सेटअप होगा, बड़े बड़े कानों के गोरे गोरे बच्चे होंगे माशाल्लाह। काली फार्म से नियर बाय तो है ना कोटा बकरिया, काली बकरिया भी है, बच्चे गोरे देंगे, बच्चे गोरे देंगे, बच्चे गोरे देंगे। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट आप बताओगे? हमने तो एक वीडियो बना चुके पहले, और अभी क्यों हम बैरन लैंड, क्योंकि वीडियो बना के आई थिंक 3 हफ्ता हो गया, 3 या 2 हफ्ता, तो कुछ हुआ नहीं अभी तक के, आई डोंट सी एनी, कुछ हुआ नहीं क्योंकि अगर प्रोसेस लाइक ऑल प्रोसेस चालू है, क्योंकि जो अपन कभी भी लैंड लेते हैं मुंबई में फ्लैट लेना बहुत इजी है, लेकिन गांव में जो 7-12 सर्वे एंड ऑल उसके लिए काफ़ी टाइम जाता है। अच्छा, सरकार की तरफ से एक टीम आती है, एक टीम आती है जो कि 2 दिन पहले आके गई है और अच्छा, वो आ चुकी है, आ चुकी है, और वो आज या कल में मैप देंगे कि इतना प्रोसेस आपका हो चुका है, यानी ये लैंड आपके, फिर उसके 1 हफ्ते के अंदर वो लोग कुछ मार्किंग करने आते हैं। ओके, वो मार्क होने के बाद में विल बी स्टार्टेड। ओके, जितना जगह हमको प्राइवेट सर्वे में मालूम पड़ा कि इतना इतना है, हम लोगों ने उनको पूरा के पूरा स्टेट पूरा कर दिए। मोहम्मद भाई एक बताओगे हमारे को, आप उस दिन बैठ के भी वर डिस्कसिंग हाउ इज द कंस्ट्रक्शन गोइंग टू बी लाइक, ये ऐसा लंबा फार्म रहेगा, ये स्ट्रेट रहेगा, यहाँ से ये, पूरा ये जो ये जो पेड़ है और ये वाला पेड़, हाँ यहाँ से ऐसा लंबा, वो जो टेम्पू खड़ी है वहाँ तक के, उससे पीछे, उसके भी पीछे, उसके भी पीछे तक है। तो हमारे शेड कहाँ पर बनने वाले हैं? पूरे शेड राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में शेड बनेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड में बनेंगे, और लास्ट में बंगलो बनेगा। ओके, और सीधा ये इस तरफ फेसिंग, हाँ ये साइड का फेसिंग रहेगा पूरा मैप, एंट्री गेट यहाँ पर होगा, एंट्री गेट सामने, वहाँ से आप इंटर कर सकते हो। फार्म पे किसको अलाउड है किसको नहीं अलाउड है कुछ बोलना नहीं चाहूंगा जी, क्योंकि जनरली आउटसाइडर्स को नॉट अलाउड, खाली हमारी टीम एमडी एंड, हाँ क्योंकि उनका पर्सनल जो भी है वो शौक के बकरे उनके, ये बेचने वाले तो बेचने वाले अभी नहीं है, जो ब्रीडिंग होएगा वो चीज वो लोग बाद में बेचने वाले फार्म पर। ये भी हिशाम भाई के बकरे है 3, हाँ हिशाम भाई के बकरे, मतलब कुछ बकरे यहाँ चलता फिरता छोड़ देते ना, अभी स्टार्ट होने वाले जी जी, ये नहा धो के आए हैं, नहा धो के मजबूत निलाए ले, एक रिवर स्ट्रीम में नहा के आए, नहा के आए माशाल्लाह, नहर में नहा के आए हैं माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत, ये आर्नल्ड है मेरे ख्याल से, ये आर्नल्ड है, बहुत अच्छा बकरा है, कॉम्पैक्ट फ्रेम, आई थिंक ये आया है जबलपुर से ना, जबलपुर से, जबलपुर का, आपने शायद वीडियो बनाया है वहाँ पर, वो एक क्यूट सा बच्चा था, मेरे को बहुत मैसेज करता था, मैंने इतना लेकिन परेशान करता था, मैं इरिटेट होकर ब्लॉक कर, तो ज्यादा मैसेज मत करो फादर हो जाते हैं, नहीं नहीं ज्यादा मैसेज है नहीं, एक चीज के लिए ना करो, वीडियो आएगी, हाँ सबर करो, सबर करो, सबर करो बस। माशाल्लाह लोकेशन भी बहुत अच्छा मिला फात भाई, यहाँ से लेके एंड तक जो जमीन है 1 एकड़ है पूरा। मोहम्मद भाई अपने फार्म से कितना दूर है ये? एमडी गोट फार्म से। आप खुद ही आए हो ना अभी तक? आई थिंक 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर प्रोबेबली। माशाल्लाह, यानी सोचिए समझिए चाल है ये कि ब्रीडिंग सेटअप खोलेंगे, पलाई में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पलाई उनको भी पता है कि क्या होती है और क्या नहीं होती है। आपका क्या रोल रहेगा इसमें? मेरा कोई रोल नहीं है फात भाई, क्यों ऐसे? मेरा क्या रोल रहेगा? मार्गदर्शन के लिए आप नहीं रहोगे? नहीं नहीं नहीं, मार्गदर्शन बड़े लोग का लिया जाता है, आप भी तो बड़े हो गए 2 साल में। नहीं नहीं, मार्गदर्शन के लिए 450 बकरे पालने वाला तो बड़ा ही होता है। कौन बोला? नहीं भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं छोटा, मेरे बकरे छोटे फात भाई, कस्टमरों के बकरे मेरे बकरे भी है काफ़ी उसके अंदर, मेरा कोई मार्गदर्शन नहीं है फात भाई, खाली जो थोड़ा बहुत जहाँ मेरे को समझ में आएगा मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, बाकी उनकी टीम भी मजबूत है, काफ़ी लोग है टीम के अंदर, तो मार्गदर्शन की ज़रूरत है ही नहीं, और बकरेबाजी के अंदर तो फिर वो काजिम भी उनके साथ में है, तो उनका कुछ अलग सेटअप है कि ब्रीडिंग सेटअप करेंगे वो लोग, तो ब्रीडिंग सेटअप उनकी कैसे रहेगी, वो काजिम एंड इमरान भाई इन तीनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, जिसके अंदर मैं तो हूँ नहीं फात भाई। हम इतना चल रहे हैं अभी, ये पूरी लैंड है, पूरी लैंड है, पूरी लैंड झाड़ तक के? नहीं नहीं नहीं, अच्छा और देखो बोरिंग मारा है ना, बोरिंग एरिया टोटल एरिया 1 एकड़ है, 1 एकड़ का है, यस। कहाँ पे है बोरिंग? वो देखो बोरिंग, वो जो चूना ऐसा निकला हुआ दिख रहा है, सीमेंट जैसा, ये सीमेंट जैसा है, ओके ओके।
ये ऐसा एरिया है यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये आसपास। अपने भाई का पर्सनल फार्म होगा, यहाँ पे एंट्री और नो एंट्री का वो सब कुछ हिशाम काजिम ये लोगों के हाथ में, ना मेरे हाथ में ना किसी के हाथ में। जब शूट की बात रहेगी फाद भाई आएंगे शूट करेंगे, जब उनको बच्चे सेल करना रहेगा वो शूट होगा, और आई थिंक सो के वो अभी तो स्टार्ट होने वाला है ही नहीं फाद भाई, क्योंकि बच्चे आने में टाइम जाएंगे उस चीज़ों के लिए। वो तकरीबन आई थिंक 1 साल की डैन है, 1.5 साल की। हाँ वो यहाँ वहाँ पाल रहे थे, वो तो उनका रहता ही है, और जो उनका पर्पस था कि ब्रीडिंग, उनको बच्चे एग्जॉटिक में वो बड़े बड़े सानियन ले रहे, टोगन बर्ग ले रहे, तो वो चाहते हैं कि वो उन्हीं के पास। तो ये आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ से लेके ये देखो पीछे ये वो वहां से अच्छा लेके वो वो वहां तक के, कॉर्नर वो पेड़ वहां तक तक, के हैं। वो पेड़ तक है ओके ऐसा, क्योंकि गांव के अंदर आप जगह जब लेने जाओगे एकदम स्ट्रेट पूरा नहीं मिलता है, ओके थोड़ा बहुत कटवट आधी बाजू में खेत किसी और की निकल जाती है, कोई और चीज में खेत किसी और की निकल जाती, बट लोकेशन ओवरऑल पीछे रिवर है वो साइड पे, सामने उसके पीछे पूरा ओके हाँ पहाड़, रिवर है लोकेशन वहाँ पे। हरियर हाँ ओह अच्छा नाइस। खासा है। तो हिशाम भाई से लोगों की एक्सपेक्टेशन रहेगी क्या, सभी चीज़ प्रीमियम होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लोग एक्सपेक्ट करेंगे काफ़ी प्रीमियम काफ़ी और वो बंदा तो टॉप मालूम स्टेट ऑफ है द आर्ट तुमको फिर। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। हाँ तो वो अभी से ही बंगला ऐसा होगा, बंगले का मैप बन चुका है माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा बंगला बनने वाला है। जी। हाँ 2-3 2 BHK का आई थिंक सो उसका भी काम चालू हो चुका है, सिर्फ रुके थे कि एक बार लाइन गिर जाए, चूना गिर जाए यहाँ पे, तो फिर वो बाउंड्री का काम स्टार्ट होएगा। ओके देखते हैं अभी उसके लिए बाउंड्री का काम भी मैक्सिमम समझो ना 20 से 25 दिन, 1 महीना पकड़ लो आप ज़्यादा से ज़्यादा। मोहम्मद भाई, लेकिन सिटी में क्यों नहीं खोला उन्होंने, बिकॉज आई एम श्योर ही इज़ नॉट फाइनेंशियली क्रंच्ड कि भाई वो सिटी में नहीं खोल पाए, वहाँ पे रेस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होता ना सिटी में, जगह प्रॉब्ली फात थाने गोलबंदर भाई सिटी और में हम होटल या रेस्टोरेंट नहीं खोल रहे फात भाई, ब्रीडिंग सेटअप ब्रीडिंग खोल सेटअप रहे, एग्जैक्टली। तो ब्रीडिंग सेटअप के लिए तो ऐसी जगह चाहिए ना जहाँ आपको इन्वायरमेंट अलग हो जाए, ठंडी गर्मी और खुला स्पेस। अगर 1 एकड़ अगर मुंबई में लेने गए तो कुछ तो डिफरेंट होगा ना रेट में, राइट और राइट इतनी बड़ी खुली जगह कहाँ मुंबई में अवेलेबल है, अगर रहेगा तो सामने वाला टावर बना के खड़ा कर देता है फात भाई, वो तो है, सिंपल है। वही वो थाने साइड ही होंगी, हाँ ठाणे साइड ही, थाने साइड, उससे बेटर ये है क्योंकि यहाँ पे आसपास सभी फार्म से फार्म से मिल जाएगा। आसपास में है, बाजू में पूरा देखो ना लैंड, हालांकि ये लैंड पूरा आसपास के भी जितने भी लैंड है सब खरीदे हुए हैं तो फाद भाई। हिशाम ने लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई मेरे पलाई के बकरे तो वही GDMD पे तो रहेंगे ही जो रहते हैं, देखो वो फाद है ना। भाई सब उनके पास हाथ में है, उनका शौक जहाँ पूरा होता है, चाहे वो MD पे पूरा हो, चाहे उनके फार्म पे हो, चाहे इमरान भाई के अच्छा पास एक हो, सवाल पूछना चाहूँगा मैं, पूछ लो ना। आप एज आई मीन यू हैव बीन वेरी क्लोज टू हिशाम भाई, हाँ लाइक थोड़ी आप में इनसिक्योरिटी रहेगी कि भाई ये थोड़ा हिशाम भाई डिस्टेंट हो जाएंगे मेरे से, किस उनका चीज़ के खुद का लिए? फार्म खुलेगा अरे तो मैं यही बोलना चाहूंगा, ये मैंने लेके दिया ना फात भाई, जो भी है, आई जगह नो मैंने देखा। वट एवर इट इज, हाँ बट तो इट्स मैं लाइक खुश हूँ, एक्चुअली मैं खुश हूँ, आप रुकिए नहीं। मैं नहीं रुक रहा हूँ, हाँ मैं हकीकत में बहुत खुश हूँ कि अपने भाई ने एक यानी एकदम अलग फार्म खोल रहा है, टेंशन नहीं किसी का, उसको जो शौक करना है। पहले मेरे को कैसा टेंशन हो, अच्छा इसको दूध पिलाए नहीं होंगे, आज उनके नज़र के सामने रहेगा विद CCTV कैमरा, तो जब चाहे जब काजिम का ऐसा गला पकड़ सकते ना, क्यों बे इसके बच्चे का क्या हुआ कालिया, तो सीन ऐसा है। तो मैं खुद से चाहता हूँ कि वो खुद स्टार्ट करके देखे क्या होता है क्या नहीं होता है, सब समझ में आता है जब सामने रहता है। आपने फार्म खोला, आपने क्या गलतियाँ की थी जो आप चाहोगे कि हिशाम भाई ना दोहराए, या पार्टनरशिप कोई भी, पार्टनरशिप बट हिशाम भाई तो इस दूसरों के भरोसे खोल रहे ना बेसिकली, ही विल नॉट बी हियर सुपरवाइजिंग एवरीथिंग। देखो भाई अपना भाई है वो आधे दिमाग का है, जिस दिन हटती है ना तो उस दिन चल निकल जा बोलता है सीधा, तो वो सब कुछ उसके हाथ में, पहली बात तो ये सिंपल चीज़ है, जो है सब कुछ हिशाम का है, किसी का और किसी का लगा हुआ या पैसे किसी और के नहीं है, पहली बात तो ये, जो कुछ भी है होल एंड सोल हिशाम का है। उसके बाद में हिशाम एंड काजिम और इमरान, इन लोगों इमरान भाई इन लोगों के बीच में क्या है
के बच्चे आएंगे तो कैसे सेल आउट करना है, क्या है उसमें, मैं कहीं से इन्वॉल्व नहीं हूँ, इन तीनों के बीच की बात है। जी। और अपने को जानना भी नहीं है, सिंपल है, अपने भाई का फार्म खुल रहा है, दैट्स इट। हम खुश है फादर भाई। एक एक बकरे बताते हैं, अभी बकरों की बात करते हैं। सबसे पहले ये बकरा, ये बकरे के बारे में बताइए आप कुछ, क्या डिटेल्स है बकरे की? जाकिर डिटेल बता। जाकिर भाई 41 हाइट है, 100 किलो का बकरा है। 100 किलो का बकरा है, 40-41 हाइट है। कितना टाइम हुआ पर है? 3 महीना हुआ है फाद भाई। हिशाम भाई का है ये कि आपने बेचने का? टीम एमडी का है। वही टीम एमडी का फाद भाई है। तो बेचोगे? बेच देंगे फाद भाई। ओके, जो किसी को भी लेना है। देखो मेरे यहाँ पे ऐसा है फाद भाई, जब हिशाम बकरे भी लेता है ना भाई, तो अगर नहीं शौक हो गया, जो कुछ भी हो गया, उसके बाद अगर मुझे बेचना है तो मेरे हाथ में दे के रखा है कि तुम बेच सकते हो, वो मैं बेच देता हूँ फाद। चाहे ये तीनों में से तीनों खड़े हुए ना, ये तीनों भी बेच सकता हूँ फाद। ओके, इतना मेरे हाथ में है ठीक अभी के लिए। पहले चला करो, कान छोड़ो, ये रस्सी से चला। हिशाम भाई ने ऐसा सेपरेट ब्रीडिंग सेटअप खोले, आप दुनिया भर के ब्रीडिंग सेटअप देख कर आए हो, आपने कुछ एडवाइस किया था नहीं किया था? अब हंसना नहीं, जो है फैक्ट बताना। नहीं, मैंने तो कोई एडवाइस नहीं दिया अभी, नहीं। मेरा तो काम वीडियो बनाना है, मेरा तो कोई नॉलेज भी नहीं है, नॉलेज वाइज तो आई एम जीरो आदमी है। नहीं, ब्रीडिंग सेटअप मैंने कौन सा कवर किया? मैंने कोई कवर नहीं किया। तुम देखते तो आए हो। मैंने ना देखा हूँ, एक खेड़ में देखा हूँ, और इम्तियाज नाटकर का देखा हूँ, वो भी जिंदगी में एक ही बार गया हूँ। एक बार या दो बार इम्तियाज नाटकर के उधर, दो बार खेड़ में, एक बार। बट हम तो शूटिंग करने की, हमें पता नहीं ना काम कैसे करता है। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है। और वो अपना सफदर भाई का, सफदर भाई का देखा, सफदर भाई का माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। ठीक है, ये एक बकरा है, जिस किसी को भी खरीदना है मोहम्मद भाई को कॉल कीजिए। यस, कॉल। भलाई साहब जो है बढ़ेगी, बढ़ने वाला। एक बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल पूछिए। मैं अब गया था कहाँ शूट करने, MS एग्रो गोट फीड। अब उन्होंने उन्होंने बोला कि भाई तुअर का प्राइस गिरा, ठीक है, और दूसरे दो तीन चीज़ों का प्राइस, मक्का का प्राइस गिरा, हरी पत्ती का प्राइस बढ़ा, लेकिन बाकी का जो गिर गया, चने का प्राइस गिर गया, काफ़ी गिरा है, 85 से 73। हरी पत्ती दिन में, हरी पत्ती का 5 रुपये बढ़ा। हरी पत्ती दिन में दो टाइम जाती है, ठीक है, क्वांटिटी कम रहता है। मक्का एक टाइम जाता नहीं, क्वांटिटी ज़्यादा ही रहती है, 700 ग्राम रहता है जो भी है। और मक्के का कितना गिरा है बोले? मक्के का जो है 2 रुपया गिरा, 2 रुपया गिरा, 2 रुपये गिरा। और उसका जो है, चलो 2 रुपया गिरा, तुवर का 1 रुपया गिरा, दो चने का 15 रुपया गिरा है, 2 रुपया गिरा किसका? मक्के का गिरा। ठीक है फात भाई, मेरे यहाँ पे इन अ 6 डे 6 दिन में 2 टन मक्का खत्म होता है। आप काउंट कर लीजिए कितना टन हो गया महीने का, 8 टन के ऊपर। 8 टन का कितना हो गया फात भाई, अगर 2 रुपये की आप बात कर रहे हो, वो कैलकुलेट कोई नहीं करता है। तो हुआ ना, बात दो नहीं चढ़ा कुछ गिरा, ये सिर्फ वो टाइम के वीडियोस रहते जब ये आपको उसने वीडियो में साफ बोला है। आज अगर एक रेट है तो नेक्स्ट डे अलग रेट रहता है फाद भाई, ये कोई नहीं बताता ठीक से। अगर आप सीजन के टाइम जाओगे, जो हरी पत्ती हम लोग अभी 24-26 में ले रहे ना, सीजन के टाइम 42-32 ये रेट में जाता है, और वो टाइम पे मंगा लो 2 गाड़ी। ठीक है, पॉइंट टेकन। अभी बताइए, प्लाई का 500 या 600 रुपए, तो 3000 से हो रहा है 3500, और 3200 से हो रहा है 3800 रुपए। 800 रुपए, ठीक है। जो ज्यादा क्वांटिटी में रखता है उसको जाहिर सी बात है कुछ डिस्काउंट हो ही जाएगा, कुछ रियायत मिल जाएगी। यस, ठीक है। ये बकरा हो गया, दूसरा हिशाम भाई का बकरा लाओ। ये जो बकरा है ये आर्नल्ड, ये हमारे फेस ऑफ में था, राइट? यस, फेस ऑफ में था। किसी और का था लास्ट टाइम ना? हाँ, ये किसी और ने लिया था क्या पहले? नहीं नहीं नहीं, अपना ही है फाद भाई। ये माशाल्लाह वैसा का वैसा, इसने कुछ तोड़ा फोड़ा नहीं, मेंटेन करके रखो फाद भाई। साल भर तुम 100 किलो के बकरे को मेंटेन करके दिखा दो ना यार, और हमेशा ऐसे ही रहेगा फात भाई। जरूरी नहीं है कि आज हमने पानी में डाले और नहला दिए तो इतना साफ लग रहे, साफ ही रहता है बकरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, और खूबसूरत है। जरा छोड़ रुबाब वाला, छोड़ है, बहुत। और खड़े जो रहता है ना एकदम तन के फात भाई, चल यहाँ ला, यहाँ ला, यहाँ ला, उछाल उछाल। फिर भी मैंने बड़े बकरे और निकाला नहीं हो, 3 ही बकरे यहाँ लेकर आया। हिशाम भाई के तो है बड़े बड़े, वो फेस ऑफ में हम लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह लेंगे। ये वाले का दाम कितना मांग रहे हो आप? फ़ोन कर दीजिए। ये पूरे दांत पे है ना अभी तो? हाँ, पूरे दांत पे, पूरे दांत पे है। कितना है? 85 kg ये वाला? नहीं 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 नहीं, 90 प्लस है। अपना 90 प्लस है, 90 प्लस है।
ठीक है, 90+ है और हाइट उसकी 38 होगी। हाँ 38 है, तो 38 ही है, 38 है फाद भाई। जाकिर भाई कितने, तुम ऐसा क्या हो जाता है तुमको यहाँ आने के बाद में फाद भाई? अरे बाल खड़ा रखा है ऐसे लग रहे हो, नहीं एक इंच बाल, तो बाल खड़ा है तो खड़े होने के बाद ही सब काम आता है फाद भाई। अरे वल्गर नहीं, मतलब तुम कुछ भी बकरे खड़े होएगे तब समझ में आता है ना यार। कंप्लीट योर सेंटेंस, नॉट कंप्लीट योर सेंटेंस। तुम यहाँ आने के बाद पता नहीं, यस बिकॉज़ आपने इमरान भाई का बकरा निकला, ए नहीं इमरान भाई का बकरा निकला तो फाद वाओ लुकिंग। अरे क्या आज तक नहीं बोलते हो यार, कभी तो बोलो। हाइट और वजन हमेशा मैं इमरान भाई से भी काउंटर करता हूँ हर वीडियो देखो, कुछ काउंटर नहीं हर वीडियो। अरे बाप रे बाप, देगा तेरे को 38 बोल दिए सीधा, ऐसा लग रहा अभी मेरे को उस पे शक हो रहा है। कुछ भी यार, चलो आहो, अरे यार उसका मिस हो गया, माशाल्लाह। चलो अभी वाला लेके तारीफ कर लिया करो फाद भाई, मैं बहुत तारीफ करता हूं, आप तारीफ नहीं सुनते हो, मेरी बदनामी कर रहे। कितनी तारीफ करता हूं यार बकरे की तारीफ कर, ये माशाल्लाह बहुत बड़ा बकरा है, इसको मैं पहले शूट कर चुका हूं। हां इसके लिए बोल रहे हैं ना? हां वाह बहुत भारी, कितने लंबे कान है देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके कान भी बहुत अच्छे थे, तीनों को खड़ा कर सामने कान पकड़, ऐसा मत घसीट मत घसीट। हाँ ये कितने किलो का है? 100 किलो का बकरा है ये, होगा 48 का। हाँ होगा ना, होगा होगा होगा, रेट बढ़ रहा है, हाइट कम हो रही है, हाइट का सब एमडी पे होने आने के बाद ही हो रहा है। ये हिशाम भाई का? हाँ ये तो अभी लिए ना। ओहो देखो फात भाई, आज बकरे यहाँ लाने का रीजन है कि कुछ टाइम में यहाँ बकरे ही बकरे होने वाले, बकरियां ही बकरियां होने वाली है, बकरे भी हो सकते हैं, जो अपना भाई लाए वो हो सकता है, एक्जॉटिक हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है फात भाई। चलिए सो हिशाम भाई को आप सब खुशकामना, क्या बोलते हैं, खुश, हाँ बोले थे हिंदी वर्ड फॉर दैट, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए कि अपना भाई मजबूत ऐसे लंबे लंबे कान पैदा करे, है ना, उनके बकरे पैदा करे, हाँ उनके बकरे लंबे लंबे खाने वाले पैदा करे, माशाल्लाह शौक पूरा हो जाए। अगर देखो मेरे भाई का शौक मर भी जाता है ना भाई, तो ये लैंड पे उनका एक फार्म हाउस रेडी रहेगा, रिसॉर्ट रहेगा, रिसॉर्ट रहेगा कि अगर वो भाई आप कब भी आए ना तो आराम से आके अपना भाई स्टे रुक सकता है, इंजॉय कर सकता है, बकरे देख सकता है, शौक के बकरे रखे हो गए, है ना। चलिए तीनों बकरे हो गए, जिस किसी को भी खरीदना है कॉल कीजिए, और विश हिशाम भाई ऑल द बेस्ट फॉर दिस फ्यूचर एंडेवर, हम सब की तरफ से हाँ मुबारकबाद, मुबारकबाद। लास्ट टाइम इमरान भाई ने बोल दिए थे नहीं क्या, वो बोले क्या सिर्फ तीन ही लोगों को अलाउड है, तो हमारे इब्राहिम भाई भी नाराज़ हो गए, मुस्तैद भाई भी हो गए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को भी अलाउड नहीं बोले थे ना, सबको अलाउड है ना, टीम एमडी को अलाउड है वो बोलने की बात होती है क्या? सिंपल है, तो आप क्यों बुरा माने? मैं कहाँ बुरा माना, ले देखे क्या करो मालूम, मैं तीर ऐसा घुमा और मेरे पे छोड़ रहा तुम लोग, सब मेरे से ही शुरू हो रहा है, मेरे पे ही खत्म हो रहा है। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए ना, नहीं, आपको नहीं, थोड़ी मेरा भाई आपको थोड़ी पता नहीं क्यों मेरा भाई नाराज है, आपका फार्म है, अरे मेरे को बाहर से पता चल रहा है अपना भाई नाराज है, आपका फार्म है, जब भी आओ ना नोबडी शुड इनवाइट यू, देखो यू शुड नॉट इवन वेट फॉर इनविटेशन, लेकिन समझ में आता है ना अपना भाई नाराज है करके, मालूम पड़ता है तुमको, नहीं मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है तुमको भी, फाद बोलते हो ना तुम तो ऑफ कैमरा बहुत कुछ बोलते हो, मैं नहीं बोलता हूँ कुछ कटवट नहीं कर नहीं मैंने मैं बोलता ही नहीं, तो नहीं बोलते, नाराजगी का तो नहीं बोला भाई, शौक के लिए लाए अपना भाई, शौक करेगा, दैट्स इट। फार्म का नाम HS फार्म, कांटेक्ट डायरेक्ट हिशाम भाई से कीजिए, किसी और से मत कीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, वेलकम फादर।